वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीट्स के बारे में। रीट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कोर्ट ने ये रीट्स जारी किया है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि रीट्स क्या होता है, इसका जवाब क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों रीट्स क्या है? रीट्स एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि जो सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट या जो बड़े बड़े कोर्ट होते हैं उनके पास एक कुछ पावर होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो इन दिस केस कोर्ट क्या करता है कि लॉ का एंड जस्टिस का पालन होना चाहिए, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए रीट्स का जो पावर है वो इस्तेमाल करता है। रीट्स और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, अलग अलग टाइप के रीट्स होते हैं। तो हम बात करेंगे जो बेसिक कुछ टाइप से जो हर जो वो यूज़ होते हैं उन टाइप्स के रीट्स के बारे में। जो पहला टाइप है, वो पहले टाइप का रीट्स है, उसे बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। तो दोस्तों क्या होता है हैबियस कॉर्पस? आपने सुना होगा हैबियस कॉर्पस, एक मूवी आई थी आपको याद होगा, उस मूवी का नाम था जय भीम। तो उस मूवी में काफ़ी अच्छा सीन दिखाया गया कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसी व्यक्ति को अनलॉफुल डिटेंशन कर लेता है, मतलब जो लॉ के खिलाफ होता है उसे पुलिस स्टेशन में बंद करके रखता है। पर उस चीज़ से लड़ने के लिए जो एडवोकेट होता है, मतलब उस पिक्चर का जो नायक है, उस मूवी का जो हीरो होता है, वो यूज़ करता है द पावर ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस बात करता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे टाइप के रिट्स के बारे में। दूसरा टाइप का रिट्स है उसको बोला जाता है मैंडेबस। सुना है आपने मैंडेबस? जी दोस्तों, मैंडेबस एक्चुअली ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है, ये लेटिनिंग वर्ड है, पर इसका सिंपल तरीके से तो मैं आपको समझाऊँ तो ये बात करता है कमांड और ड्यूटी का। मतलब कोर्ट डिसाइड करता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से करना चाहिए, इसलिए बात करेगा मैंडेमस की। कोर्ट एक रिट इशू करेगा कि भाई अपनी ये जो ड्यूटी है वो अच्छे से नहीं निभाई है, तो इस ड्यूटी को आपको अच्छे से निभाना पड़ेगा। और ये ऑब्लिगेशन होता है उस इंस्टीट्यूशन को कि वो कोर्ट के आदेश को माने। अगर वो इंस्टीट्यूशन कोर्ट के आदेश को नहीं मानता तो कोर्ट है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तीसरा जो रीट है दोस्तों उसे बोला जाता है प्रोहिबिशन। तो दोस्तों प्रोहिबिशन एक ऐसा रीट होता है जिसमें जो अपर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को किसी चीज़ को करने के लिए रोकता है। इन द सेंस अगर समझ लो हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसके जो नीचे वाला कोर्ट आता है उसे बोला जाता है हाई कोर्ट। उसके बाद में भी बहुत सारे कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है, आर्बिट्रेशन है, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स है, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल्स है। तो बेसिकली जो हमारा एपेक्स कोर्ट होता है उसके पास एक ऐसा पावर होता है कि जो लोअर कोर्ट होता है उसे उसके सीमा में काम करने के लिए कहने के लिए ऐसा रीट होता है। मान लो कि किसी लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश जारी कर दिया, कुछ ऐसा जजमेंट कर दिया जो किसी लॉ के खिलाफ है और उस लोअर हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा, तो इस चीज़ के रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का रीट जारी करता है। तो सो चौथा जो रीट है उसे बोला जाता है शर्च्योरी। शर्च्योरी इन द सेंस कि निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करना। मान लो किसी लोअर कोर्ट ने कुछ फैसला कर लिया है पर वो कहीं ना कहीं न्याय से असंगत है, तो इन दिस केस जो हायर कोर्ट होता है वो सर्च्योरी रिट्स का इस्तेमाल करता है। वो रिव्यू करता है कि जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो डिसीजन सही है या गलत है। दोस्तों पांचवा जो रीट है उसे बोला जाता है को वारंटो। को वारंटो इन द सेंस कि चैलेंज पब्लिक ऑफिसर्स राय। तो दोस्तों को वारंटो जो है वो जो सार्वजनिक पद के, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, समझ लो कोई डिपार्टमेंट है किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है पर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो कोर्ट इस चीज़ में पूछेगा कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है, आपने किस चीज़ के उसको अरेस्ट किया है, कि अगर आपके पास वो अथॉरिटी है तो आप वो अथॉरिटी को हमें दिखाओ, अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस रिट को बोला जाता है को वारंट। तो सर एक केस के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये केस है 1975 और 1977 तक चली थी, ये इमरजेंसी का समय था, और केस का नाम है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत। तो इस केस में जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने बोला था कि आपातकाल के दौरान हैबियस कॉर्पस को निलंबन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आपातकाल के दौरान हैबियस कॉर्पस का निलंबन कर दिया था। तो दोस्तों आपने किसी ऐसे ही केस के बारे में सुना है, किसी ऐसे ही रीट्स के बारे में सुना है? अगर सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग लीगल चीज़ें आपके लिए लाते रहूँगा, मैं सीरीज ऐसे ही चलते रहने दूँगा।